किचन में हूँ जयश्री पवार। और आज आज की वीडियो हम बनाने का कुछ खास मकसद है क्योंकि हमारे यहाँ पे विजिट करने के लिए अमेरिका से की वजह से आए हैं और उनको हमारा गांव बहुत अच्छा लगता था, वीडियोस देखते थे, इसीलिए उनका मन किया कि वे विजिट करने आए। वो ऐसे ही पंजाब में आए थे तो उधर से महाराष्ट्र में भी आ गए, तो हम चलो उन्हीं से पूछते हैं हमारा गांव कैसा लगा। और यहाँ पे हमारे दादा भी है और कृष्णा के पापा भी है, तो उन्हीं के साथ पूछते हैं उनसे। जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ बड़ा मन खुश होता है, वो खेतों की लाइक पुराने स्टाइल यू नो बहुत अच्छा है, मन खुश होता है। 20-22 साल पुरानी याद है, या जा जा पीछे की जा, बहुत बढ़िया। और फिर उनको खेत में घुमाने के लिए वहाँ पर भी हम लेकर आए, तो अभी खेतों में कुछ है भी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने लोगों ने समर टाइम में ये प्याज डाले थे, बस इसी का खेत है और कुछ नहीं, और उसको भी निकाल के अभी ढक के रखा है। तो अभी शाम का मौसम माहौल है तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि दोपहर को तो बहुत धूप होती है, लेकिन अभी अभी सब ठीक है। दादा साहब एकादशी आज दर्शन लो उनका। उसको पापा काय म्हणतात त्याला पाय पाय काय करतोय कृष्णा? हमारा कृष्णा हमेशा काम करता है ना कृष्णा, इसका भी नाम कृष्णा है। हमारे पास कृष्णा और बालू की संख्या कोई कमी नहीं है। अभी उनको हमारा शेड दिखाने आए, तो ये बकरियों के लिए हम लोगों ने जो शेड बनाया था उसमें बकरियां तो उसमें है नहीं, बस वैसे हम लोगों के यहाँ पे जो काम करते हैं उनको दिए, तो यही देखने आए। और एक एक के बाद सब लोग अभी शेड की ओर आ रहे हैं। अनीता भी आ रही है हमारे यहाँ पे, तो वो बोल रही है मेरे को भी दिखाओ आज वीडियो में, मैं किन्नर आई हूँ। तो अभी हम यहाँ पर सब मिलकर ये गॉड फार्म है उसे देख रहे थे, योगेश की और गणेश सब है यहाँ पे, और उनको बसन भी आए। और पास में हमारी बावड़ी है तो उसमें देखो पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, कैसे देख रहे सब जैसे कि कुछ है, लेकिन इसमें फिश भी है तो बहुत अच्छी लगती है। और ये यहाँ पे ये हमारी सोमी, सोमी के साथ कृष्णा बहुत अच्छे से खेलता है कृष्णा दीदी। और ये देखो अभी कृष्णा के रॉकी अंकल भी इधर आ गए, क्योंकि वो बच्चे हैं ना उनसे बहुत मिलजुल गए थे, तो उनके जहाँ पे जाते तीनों साथ में रहते, और अभी दोनों भी बहुत मिस। पर ये सोमी है ना कृष्णा को तो पहचानती है, लेकिन उसके अंकल और आदिति को नहीं जानती, इसीलिए वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी। और फिर यहाँ से रुकने के बाद फिर यहाँ से जाने का टाइम आया, फिर सासू माँ ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी ले लिया, फिर सब भी यहाँ पे शुरू हो गए एक दूसरे, क्योंकि बड़े छोटे का छोटे बड़े से आशीर्वाद लेते हैं। और फिर सब अभी निकलना था मिलकर यहाँ से, क्योंकि अभी हमारे इधर उनको बहुत सारी जगह पर घुमाना था, तो अक्का हमारी और योगेश अदिति सब ने नंबर लगाए, मानो जैसे ऐसा ही होता है हमारे घर में, कुछ भी हो फंक्शन हो फेस्टिवल हो किसी को बाहर जाना हो कुछ भी हो तभी ये सब होता रहता है, और फिर मेहमान जाओ तभी भी, तो
छोटे बड़े से आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद ही हम लोगों का बाकी काम शुरू हो जाता है। और आज तो माऊ का बर्थडे भी था, हमने केक सेल भी कट किया था यहाँ पे, तो वो भी वीडियो है हमारी, तो बाद में नेक्स्ट ट्रिप में ना उनको लेके आऊंगा, पर गर्मियों में नहीं, गर्मी यहाँ से गर्मी चला था जरूर लेके आऊंगा। ओके अम्मा। और फिर अभी क्योंकि हम लोग, मेरे पास वो वीडियो डिलीट हो गई जब हम गाड़ी छोड़ के पैदल आए थे यहाँ तक, और अभी ये सीधे अमेरिका से 23 साल के बाद आए और हमारे बैलगाड़ी में ओ जब भी हमारे वीडियो देखते हैं बोलते कि हमें भी आपके बैलगाड़ी की सैर करनी है, तो उन्होंने इतना मन बना लिया था कि उनको हमारे बैलगाड़ी की सैर करनी थी, तो वो आ गए इतने दूर से, 7 समंदर पार करके हमारे गांव की सैर की, हमारे बैलगाड़ी में भी बैठ गए। अभी देखते हैं इनका हाल क्या होता है गाँव तक जाने तक। और हमारे बैलगाड़ी में इतने सारे सीट थे कि कौन कहाँ बैठे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जगह बनाई, क्योंकि बैलगाड़ी में बैठने का तरीका होता है, जो बड़े होते हैं वो सामने बैठने पड़ते हैं और जो छोटे होते हैं उनको साइड में। लेकिन हमारे माऊ ताऊ और कृष्णा के पापा और मामा तो बैलगाड़ी में बैठते नहीं, उनको बोलते वो कि बैलगाड़ी में बैठो और सारे पार्ट हमारे बॉडी के अपनी अपनी जगह पे आके बैठते। तो फिर अभी हम लोग बैठ गए। कृष्णा को तो बहुत मज़ा आता है, कृष्णा और आदिति को, कृष्णा तो ऐसे पैर छोड़ के बैठता है, उसको आदत है। तो अभी बैलगाड़ी ये हमारे यहाँ का रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो अभी इसी ओर से हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी फटाफट से जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे बहुत सारा पानी आएगा इस नदी में और बहुत अच्छा लगेगा, पूरा हरा हरा हो जाएगा। लेकिन इसी वो इतना हमारे इतने दूर से गांव देखने आया, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था खेतों में, क्योंकि यहाँ पे समर टाइम शुरू है अभी, तो अभी बारिश आएंगी तभी नई से शुरू हो जाएगी। तो देखो अभी बैलगाड़ी की सैर तो बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, और अभी चल भी रहे यहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको। और कृष्णा आदित्य तो देखो मामा को चिढ़ा रहे थे उसके। और अभी हम लोगों ने यहाँ से गन्ना लेना था, हर बार हम सागर से हम लोग गन्ना लेके जाते हैं, तो आज भी लिया क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुका के हम लोगों ने लिया। और अभी फिर से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई। और कृष्णा के पापा भी पाव पाव चल रहे हैं, वो भी बैलगाड़ी में ज़्यादा करके नहीं बैठते, लेकिन मैं, अदिति, कृष्णा, अनीता और अमेरिका से आए के अंकल ये कृष्णा के, तो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि यह, और मेरे ससुर जी गाड़ी चला रहे थे यहाँ पे, तो और भी बातें करते करते गांव कब आ गया तो पता भी नहीं चला। तो इसी तरह से हम लोगों ने उनको हमारे खेत दिखाए, लेकिन वो जो हम लोग वहाँ से हमारे रोड से यहाँ तक पाव पाव आए वो मेरे से मिस हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो पूरा वीडियो बहुत सुंदर था। तो अभी ये देखो कोई ऐसे कोई वैसे, और हमारे इधर बैलगाड़ी बहुत आम बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ है जो हमेशा चलती रहती है, और बिना बैलगाड़ी का तो इधर काम ही नहीं चलता। और अभी हम लोग सारे पूरी फौज गांव की ओर निकल रहे हैं, और अभी हमारा ये नया घर बन रहा है यहाँ पे, तो उसको देखने आ गए। तो ये हमारा घर का काम अभी रुका हुआ है थोड़ा सा, तो अभी बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी काम शुरू है ना यहाँ पे, तो वो भी देखने आ गए है। और अभी ये हम लोग छत पे है और यहाँ से बहुत दूर दूर तक सब कुछ दिखाई देता है। तो और फिर अभी हमारे
जेठा ने किया, अब सामने ही रहते वो, तो वहाँ पे पानी चाय पानी दिया उन्होंने। और फिर अभी यहाँ पे देखो, उन्होंने उनके घर के सामने ये नीम का पौधा लगाया और इसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए और वो भी बहुत मोटे मोटे आ गए। और ऐसी इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा, जहाँ भी जगह मिले ना वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाओ, और ऐसे लगाओ जिससे आपको फल फ्रूट फ्लावर्स मिले, तब जाके वो पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखो इन्होंने ये आरवी के पत्ते भी बहुत अच्छे से आए और अनीता को भी बहुत भा गए हो। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।